जय साईनाथ। नमस्कार सर जी। जय नमस्कार। जय साईनाथ। जय साईनाथ। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सूचक रवि भाई है। आपकी उम्र क्या है सर? मेरी उम्र 32 साल। आप ये मंदिर में क्या क्या बेचते हैं सर? ये मंदिर पे मैं पापड़, मठिया, छोला फली, खाखरा, चकरी, भाखरवड़ी, गाठिया, बाडोली का पात्रा, ऐसे सब आइटम बेच के अपना घर चलाता हूँ। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये देखे गाइस, ये है मिस्टर रवि भाई, जो देख नहीं सकते पर वो यहाँ पर पापड़ खाखरा बेचकर अपनी मेहनत की कमाई करते हैं। इन सपने खुद के दम पर छोटा सा बिजनेस करते हैं। कितने सालों से आप ये खाखरा और पापड़ बेच रहे हो? सर मैं पिछले 3-4 साल से बेच रहा हूँ। ओके, हर रोज़ यहाँ पर बैठते हो? सर मैं ऐसे यहाँ पे हर गुरुवार को आता हूँ। ओके, हर गुरुवार। और आपका टाइमिंग क्या है बैठने का? जी बाकी के दिन सर मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ। हाँ, ज़्यादा जन समूह एकत्रित होता है, जैसे कि अपने अम्बिका निकेतन पार्ले पॉइंट मंदिर है, जो अंबाजी माता का मंदिर, वहाँ पे शुक्रवार, मंगलवार और रविवार के दिन मैं जाता हूँ। और बाकी कोई वार त्यौहार होता है, जैसे नवरात्रि का त्यौहार होता है, हाँ। तो पूरा 9 दिन अंबाजी मंदिर जाता हूँ। सूरत सिटी में अठवा लाइन्स वाला? हाँ, अठवा लाइन्स वाला, जी सर। और बाकी के दिन शनिवार क्षेत्रपाल हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। ओके, ठीक है। और आपका टाइमिंग क्या रहता है? सर मेरा सुबह में 10-11 बजे आता हूँ, और शाम को 10-10:30 बजे तक रहता हूँ मंदिर पे। ओके, तो इतने घंटे तक मैं मंदिर पे रह के अपना जो मेरा धंधा होता है वो मैं धंधा करता हूँ। और मुझे यस एक बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, अपने दम पर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें मुझे सूरत के पूरी जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है और मेरी घरवाली है। ओके, और आपका एजुकेशन क्या है? सर मैंने एम ए बी एड तक पढ़ाई की है, मास्टर डिग्री। ओके, एम ए बी एड पास हो आप? जी सर। तो ये देखिएगा, ये है रवि भाई, जो आंखों से देख नहीं सकते बट खुद का एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, और उन्होंने एम ए बी ए तक पढ़ाई भी की है। तो ये पापड़ की प्राइस क्या है? सर ये जो पापड़ है वो 100 रुपये के होते हैं, आधा किलो। ओके जी। और दूसरा ये लहसुन का पापड़ होता है, लहसुन का जो ये वाला। ओके, इसकी क्या प्राइस है? 70 रुपये का होता है। 70 रुपये का, जी सर। फिर ये जो चकरी होते है, ओके, ये चकरी की क्या प्राइस है? इसका भाव 50 रुपये। 50 रुपये पर पैकेट, यस। और ये जो गाठिया है मैं 120 में बेच रहा हूँ। ओके, 120 रुपये का आधा किलो, जी। और ये जो दूसरा ये जैनम का पापड़ है, पापड़ भी अच्छा क्वालिटी वाला, जो क्वालिटी रखता हूँ, ये 140 का आधा किलो है। ओके, 140 रुपये, जी सर। ये पात्रा है बारडोली वाला। ओके, ये है बारडोली का क्रंची पात्रा। हाँ, इसकी क्या प्राइस है? इसकी कीमत 80 रुपये। 80 रुपये का कितना ग्राम आएगा? 250 ग्राम। 250 ग्राम, जी सर जी। और ये भाखरवड़ी। ओके, ये भाखरवड़ी इसकी क्या प्राइस है? हाँ, इसकी कीमत 40 रुपये। ओके, 40 रुपये, 200 ग्राम। 200 ग्राम जी। तो आपका बिजनेस ठीक चलता है? सर अच्छे तरह से चलता है। ओके, जब कोरोना की महामारी हुई थी तब आपका ये बिजनेस चालू था या बंद था? आपने अपनी फैमिली कैसे मैनेज कर ली थी? जब कोरोना चल रहा था, जो लॉकडाउन चल रहे थे, हाँ। तब हमारे बहुत थे, मतलब बहुत कठिन दिन हमने गुजारे थे, लेकिन फिर भी सूरत के जनता ने हमें जो सपोर्ट दिया है, हाँ। वो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे भी होते थे कि जो हमारे को जब मेरा धंधा बंद था तो भी हमको बोलते थे कि भाई आपको अगर आपके घर में सामान पड़ा हो तो हमें बोलो, हम आपके घर पे आके सामान लेके जाएंगे। ऐसा भी मुझे फ़ोन आते रहता था। और मैं अभी भी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमको दान दया की ज़रूरत नहीं है, खाली हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ओके, मतलब आप चीज़ें बेच के भी अपना गुजारा कर लेंगे? हाँ, बस हम आपको खाली ये हाथ पकड़ के हमको रास्ता दिखाएंगे, या तो फिर हमको ये सामान खरीद के हमारा सपोर्ट करेंगे। वही हमें ज़रूरत है कि हम हमारे स्वावलंबी जीवन जी सके। और आत्मनिर्भर, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो सूत्र दिया था कि आत्मनिर्भर भारत,
और उसमें हम लोग दिव्यांग लोग भी क्यों पीछे रह जाए। हम भी आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहते हैं और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए हमारा यह मकसद है कि हम अपने से जो भी हो वो छोटा मोटा बिजनेस करके हमारे परिवार को संभालें, हमारे पूरे जात को संभालें और हमारे जीवन में हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे। ओके मैं तो ऐसे किसी भी पर्सन को सैल्यूट करूंगा जो अपने खुद के दम पर फिजिकली हैंडीकेप या देख नहीं सकते, दोनों के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में हार कभी ना माने और जो ईमानदारी से अपनी आमदनी का उपार्जन करते हैं। हर गुरुवार को आप कहाँ बैठते हैं, लोकेशन? हर गुरुवार को यहाँ पे बैठता हूँ, चौटापुल साई बाबा के मंदिर। ओके, चौटापुल न्यू साई बाबा टेम्पल मंदिर। पूरा दिन गुरुवार? हाँ, पूरा दिन बैठता हूँ, सुबह हाँ। में 10-11 बजे से रात को 10 बजे तक। सो गाइस, इफ यू आर लिविंग इन सूरत मस्ट विजिट हियर। कोई भी फूड वेराइटीज आप यहाँ से खरीद के इनकी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी फूड वेराइटीज ये रवि भाई जो आँखों से देख नहीं सकते वो बेचते हैं। तो छोटा भाई है वो भी मेरे जैसा ही 100% ब्रांड है, प्लस 90% मेंटली रिटायर्ड है। हाँ। जो दिमाग में उसका बराबर काम नहीं करता है, तो उसको अगर खाना दे तो खा सके, नहीं दे तो नहीं, ऐसा ही भूखा पूरा दिन बैठा रहे। और मेरे पिताजी भी पिछले 21 साल से एक्सपायर्ड हो चुके, तो मेरी मम्मी विधवा है और मैंने उससे प्रेरणा ली। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हो गए, तो मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और आज तक मेरी जो भी ज़रूरियात थी उन्होंने पूरी की। तो मैंने उससे प्रेरणा ली कि भाई मेरी मम्मी मेरे पिताजी नहीं होने के बावजूद भी किसी के पास हाथ फैलाने के बगैर अपना जो घर है वो अच्छी तरह से संभाल सके। और आज तक हम लोग को किसी भी प्रकार की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कभी भी हमको ऐसा नहीं बोला कि बेटा मैं आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाऊँगी। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी और हमको बड़ा किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये काम। तो मैंने उससे प्रेरणा लेके ये पापड़ का धंधा चालू किया। मेरे एक दोस्त थे भाविक बारोट, जिन्होंने मुझे ये पापड़ का धंधा दिखाया और मैंने ये धंधा चालू किया और आज मैं अपने दम पर ये धंधा कर रहा हूँ और ये आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। और इसके उसका पूरा श्रेय मेरी माता जी को जाता है, जो मुझे उससे प्रेरणा मिली और आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी माता जी ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं जी, इसी की ये देन है जो आप अपना ये छोटा बिजनेस ईमानदारी से कर रहे हो। हर जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हाँ, बस एक ही, आप अपने जीवन में मकसद रखें कि जितना हो सके ईमानदारी से अपने दम पर जिए। और जो हम मतलब मैं ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास से सामान खरीदें, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो हमारे जैसे आप दुकान से खरीदो, इससे अच्छा हमारे जैसे जो हैंडीकैप है ब्लाइंड इसके पास ही परचेस कर सकते हैं। ये है रवि भाई जो आँखों से देख नहीं सकते, कान से कम सुनाई देता है, और ये है उनकी पत्नी जो भी उनका हाथ बटा दी है। तो ये लीजिए सर, मुझे एक बाकरवाड़ी का पैकेट दीजिए जी सर। ये लीजिए सर। तो मैं जानना चाहूँगा आपको मैंने कितने रुपए की नोट दी? सर मेरे को ये 50 का नोट आपने दिया। ओके, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको 50 रुपए की नोट दी? सर ऐसे पुराना नोट आपने दिया हुआ है। ओके, पुराना 50 वाला नोट है जी। अगर ऐसा नया नोट रहता तो थोड़ा हमको पहचानने में दिक्कत होता। ओके। लेकिन हमारे फोन में एक एप्लीकेशन होता है जो करंट से पहचान सकते हैं हम लोग। ओके, जो मतलब आप कोई भी नोट्स और कॉइन्स आप पहचान सकते हैं जी। वो दिखा रहा हूँ, जो मनी नाम का एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग नोट पहचान पाते हैं। जो अभी आपको मैं आप ये नोट उसमें कैमरे के सामने रखूँ और स्कैन करूँ तो उसमें बोलेंगे 50, 100, 200। तो ये देखिए गाइस, उन्होंने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर रखी है और ये देखिए, देखिए सर ये नोट्स का पिक्चर ले रहे हैं 50 रुपये ऐसा बोल रहे हैं। और ऐप से पता चल जाता है कि ये कितने रुपए वाली नोट है। तो ये देखिए गाइस, मैंने एक बाकरवाड़ी का पैकेट लिया है, ये कितने वाली नोट है?
सर ये 10 वाली। ओके ये है 10 वाली नोट जी, मैं आपको जो वापस कर रहा हूँ। ओके ये देखिए 40 रुपए उसकी कीमत है बकरवाड़ी। 40 रुपए जी, इसलिए मैंने आपको 10 वापस किए। हाँ तो ये देखिए गाइस, उन्होंने एक बोर्ड भी लगाया है कि ये भाई को आंखों से दिख नहीं सकता और कम सुनाई देता है, और उनके पिताजी का भी देहांत हुआ है और उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, और ये एक मेहनती पर्सन है, और यहाँ पे कई प्रकार की फूड वेराइटीज, पापड़, मठिया, खाखड़ा, चौड़ाफली, गांठिया, चकड़ी, बाकरवड़ी वगैरह सब बेचते हैं, और यहाँ पे उनका नाम है रवि भाई, MA BEd, और उनका ये मोबाइल नंबर है। सो गाइस, अगर आप भी सूरत सिटी में रहते हैं तो यहाँ से ज़रूर परचेज करें। आज से 2 साल पहले जो अपने सूरत डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट के जो जज साहब है, उसने गुजरात समाचार न्यूज़पेपर जो होता है उसमें मेरे पूरे फोटोग्राफ और मेरे जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसके पूरे इंफॉर्मेशन आई थी, जो गुजरात समाचार वाले ने यहाँ आकर मेरे इंफॉर्मेशन ली और मेरे फोटोग्राफ्स ली और वो न्यूज़पेपर में दी। वो जज साहब ने देखा, परखा, जाना, और खुद साईं बाबा के मंदिर यहाँ पे जो आज हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे आए, मेरे को पूछा कि आप क्या क्या बेच रहे हो। उसके बाद मेरे पास से एक बार नहीं लेकिन दो बार 10,000 का सामान खरीद के मुझे प्रोत्साहित किया। उसे मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज भले ही वो सूरत में नहीं हो लेकिन वो आज मेरे को जितना प्रोत्साहित किया उससे मेरा हौसला बढ़ा और मैं बिज़नेस करने में और भी मेरे को मज़ा आया कि नहीं मैं और भी मेहनत करूँ। तो बस इसी तरह से सर आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप भी साईं बाबा के मंदिर जो वीडियो मेरा वीडियो बनाने आए और लोगों के सामने जो मेरा वीडियो बनाकर आप रख रहे हो और जो मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हो, उसे लिए मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ओके वेलकम। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट फूड ब्लॉग में। बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी काइंड हार्ट।